हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फ्रॉक डिज़ाइन। तो इस तरह का फ्रॉक आप किसी भी बचे हुए फैब्रिक के पीस से बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 3 से 4 महीने के बच्चे के लिए आप इस तरह की फ्रॉक बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हो। तो चलिए अब हम आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने फैब्रिक के इस तरह से 2 पीस दिए हैं और ये 2 पीस में है। इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 10 इंच पे है और इसकी विड्थ यहाँ पे 12 इंच पे है। तो अभी हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा देंगे और अभी हम शोल्डर यहाँ पे लेंगे 3.5 इंच पे और आर्म होल भी हम यहाँ पे 3.5 इंच पे लेंगे और नेक विड्थ हम यहाँ पे 1 इंच पे लेंगे और नेक लेंथ हम यहाँ पे 2 इंच पे लेंगे। तो अभी हमें इस तरह से इसकी सिंपली मार्किंग कर देना है और चेस्ट हम यहाँ पे 6 इंच पे लेंगे और इस तरह से हमें मार्क करके हमें क्या करना है, इसे कट कर देना है। ये फ्रॉक बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। आप किसी भी बचे हुए फैब्रिक के पीस से इस तरह की छोटी सी ड्रेस आपके बेबी के लिए तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर से अभी हम इसे इस तरह से कट कर देंगे और अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से इसमें थोड़ी सी गोलाई दे देंगे और अभी हम इसे इस तरह कट कर देंगे। तो अभी हमने यहाँ पर इसे इस तरह से कट कर दिया है गोलाई में और अभी हमने सेम साइज़ की लाइनिंग को कट किया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसका नेक और इसका आर्म होल हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दोनों साइड में इस तरह से सिलाई लगा दी है और अभी हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ और आसानी से पलट जाए। तो यहाँ पर अभी हम इसे इस तरह से पलट देंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम इसे बराबर से इसके कोने निकाल कर इसे हम यहाँ पर इस तरह से पलट देंगे। हमें कैंची की मदद से इसके कोने निकाल देना है और इसके ऊपर पूरे में सिलाई लगा देना है और सेम हमें दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से इसे पलट कर सिलाई लगा देना है। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर दोनों पार्ट को तैयार कर दिया है इस तरह से सिलाई लगा के। अभी हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे और अभी हम इसे सेंटर से कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे सेंटर से कट करके यहाँ पर हम इसमें बटन पट्टी अटैच करेंगे जिसके लिए हमें इसे इस तरह से कट कर देना है। तो अभी हमने इसे कट कर दिया है और अभी हम 2 स्ट्रिप लेंगे। स्ट्रिप की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे 2 इंच पर ली है और अभी हम इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में इस तरह से डबल फोल्ड करके। तो अभी हम आपको सिलाई लगा के बताएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने इसमें सिलाई लगा दी है और अभी हम इसे अंदर की तरफ टर्न करके यहाँ पर इसमें डबल फोल्ड में सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड में हमें सिलाई लगाकर इसे रेडी कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो कि बटन पट्टी के लिए हमने यहाँ पर इसे इस तरह से रेडी कर दिया है और अभी हम यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट लेंगे। इसे हम इस तरह से सीधी साइड रख कर इसके शोल्डर को स्टिच कर देंगे। तो अभी हम आपको शोल्डर को स्टिच करके बताएँगे। तो यहाँ पर से हमने इसके शोल्डर भी स्टिच कर दिया है और ये हमारा टॉप पार्ट कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसे उल्टा रखकर यहाँ पर इसकी फिटिंग के लिए भी सिलाई लगा देंगे। तो इसे हमें बराबर से इस तरह से पकड़कर यहाँ पर इसकी फिटिंग के लिए सिलाई लगाकर इसे रेडी कर देना। देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने इसमें सिलाई लगाकर इस तरह से इस टॉप को रेडी कर दिया है। अभी हम नीचे फ्रिल लगाएंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर 1 स्ट्रिप ली है, ये डबल फोल्ड में है और इसकी लेंथ हमने यहाँ पर 5 इंच पर ली है और इसकी जो विड्थ है वो हमने यहाँ पर 48 इंच पर ली है। तो पूरी विड्थ इसकी 48 इंच पर है और अभी हम इसे डबल फोल्ड में नीचे सिलाई लगा देंगे और ऊपर साइड में हमें छोटी छोटी सी प्लेट डालकर इसकी फ्रिल को रेडी कर देना है। तो आप देख सकते हो कि फ्रिल हमने इस तरह से तैयार किया है। नीचे से हमने इसमें डबल फोल्ड में सिलाई भी लगा दी है और इस तरह से प्लेट्स भी डाल दी है। अभी हम टॉप वाले पार्ट पर इस तरह से रख कर यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा देंगे।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर से हमने ये सुंदर सी फ्रॉक बनाकर रेडी कर दी है और आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा और सुंदर सा ये फ्रॉक बनके तैयार हो गया है। ये 3 से 4 महीने के बच्चे के लिए आप फ्रॉक रेडी कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही सिंपल ही ये फ्रॉक रेडी हो जाता है। तो इस तरह की फ़्रॉक आप आपके बेबी के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये इसका बैक साइड है, आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये ड्रेस बन के तैयार हो गई है। छोटी सी फ्रॉक है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लग रही है। तो इस तरह की फ़्रॉक आप आपके बेबी के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।